सरिस्का अभ्यारण्य के भर्तृतिराय पर सूरजनाथ बगीची में भारतीय किसान संघ की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में भारतीय किसान संघ टिकट के प्रति निधियों ने सरिस्का वन प्रशासन के तानाशाही नियमों का विरोध में जन आक्रोश देखने को मिला। महापंचायत में किसान नेताओं ने बताया कि सरिस्का वन प्रशासन अपने नियमों के आगे ग्रामीणों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे लगाना, रिहायशी पट्टे नहीं देना, विद्युत कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं देना, जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करने देने सहित अनेक मूलभूत आवश्यकताओं में अड़चन पैदा करते हैं। इन सबके समाधान के लिए किसान नेताओं ने वन अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान करने के लिए महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेताओं ने प्रशासन को 3 बजे का समय देकर वार्ता के लिए कहा। प्रशासन की अनदेखी के चलते पहला वार्ता का दौर मालाखेड़ा थाना अधिकारी के समक्ष विफल रहा। दूसरा दौर तहसीलदार सीओ सागरबल नागौरा का भी विफल रहा। वे जिला कलेक्टर सीसीएफ से वार्ता करने पर अड़िग हो गए। सभी किसान 4:30 बजे सरिस्का के लिए कूच कर गए। रास्ते में महिला पुरुषों ने जमकर वन विभाग को कोसा। वे सरिस्का पहुँच के थानागाजी पांडुपोल मार्ग के तिराए पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने अपना पड़ाव डाल दिया। सीओ सागर नागौरा ने 11:30 बजे प्रतिनिधिमंडल बनाकर अलवर जिला कलेक्टर एसपी व वन अधिकारियों से वार्ता के लिए रवाना हुए और उसकी वही मनमर्जी की मनमानी कार्रवाई करने शुरू कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है, अब हमको जो समझौता करना है वो उस प्रकार से करना है कि चाहे यहाँ अधिकारी बदले या ना बदले, हमारा जो समझौता होगा वो आर पार का होगा। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमको तो यही जीवन यापन करना है। तो हमको यहाँ जीवन यापन हमारे बड़े बूढ़े करता है, हमको करना है, हमारे बच्चों को करना है। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार या प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि अगर आप हमको यहाँ नहीं रहने देते तो हमको हमारा इंतजाम कर दीजिए और आपका जो सरिस्का क्षेत्र है उसकी तार बंदी करके आप उसको अपने कब्जे में। कुछ करने का कारण ये रहा, ना सरकार बात करना चाहती ना प्रशासन बात करना चाहता। पहले अल्टीमेटम दे दिया, जितने भी समझौते हुए लागू ही तो करने हैं, लिखित में समझौते हुए फिर उनको लागू नहीं करना चाहते। अब आगे क्या करेंगे अगर मैं आपकी मांग नहीं मानी? बिल्कुल, अब हम पड़ाव देंगे। कितनी भी तकलीफ चाहे मीटिंग बीच बीच में करनी पड़े, हम जब तक नहीं आते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी।